बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकास राणा नए साल के मौका पर एक ब्रांड न्यू आइडिया, यूनिक आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो सीरीज हम शुरू करने हैं जा रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोज नजर आएंगी, आपको बिला मुबाल का सैकड़ों वीडियोज नजर आएंगी जिसमें लोग आपको ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के मुतालिक बात करते हुए दिखाई देंगे। हमने लफ्ज यूज किया कि नए साल के मौके पे नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट क्या है। हम बेसिकली आपको सब मटेरियल्स की प्राइसेस ऑन साइट, मटेरियल्स की मौजूदगी में उनकी डिटेल्स, उनकी प्राइसिंग, उनकी क्वालिटीज, उनकी परचेजिंग का बेस्ट मेथड और उनको जांचने का या उनको टेस्ट करने का लैब के थ्रू या पर्सनली या जो बहुत सारे ऐसे भी देसी तरीका जात भी हैं जो कि नस्ल दर नस्ल लोग सीखते आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। हम हर चीज़ से आपको कम्प्रीहेंसिव नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें हमने एक यूनिकनेस इसके अंदर हमारी सीरीज़ के अंदर ये होगी कि हम आपको ऑफिस में बैठ के कोई डिटेल चार्ट्स दिखा के ही सिर्फ आपको प्राइसिंग के मुतालिक आपसे बात नहीं करने जा रहे। हम हर वीडियो में एक नई साइट पर जाएंगे, जैसे आज हम इतहा टाउन में ग्लोरियस बिल्डर्स अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पे जो कि पांच वाला प्रोजेक्ट है सी ब्लॉक के अंदर, वहां पे हमारा आज फैक्ट्री से स्टील आया है, तो हम आज पार्ट वन में स्टील की प्राइसिंग और उसकी बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि हमारे पास एफएफ स्टील, फ्रंटियर फाउंड्री स्टील जो के मांगा मंडी लाहौर में जिसकी फैक्ट्री है, वहां से डायरेक्टली स्टील हमारी साइट पर पहुंचा है। तो ये ग्रेड 6 स्टील है, इसके अंदर स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के एन मुताबिक जो के हमारे पास हमारे कंपनी के स्ट्रक्चर इंजीनियर ने हमें प्रोवाइड की हैं, उसके मुताबिक जितनी इसकी 3 सूत्र, 4 सूत्र, 6 सूत्र, 8 सूत्र जो के हमारे पास इस वक्त, तो 8 सूत्र की अभी इस वक्त गुंजाइश यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो 3 सूत्र, 4 सूत्र और 6 सूत्र सरिया मंगवाया गया है। और ये स्टील बेसिकली ब्रांडेड स्टील है, ग्रेड 60 है, और इसकी जो प्राइस है आज के दिन में वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्राइस हमारी इस वक्त 2,53,000 रुपये पर टन के हिसाब से स्टील हमें मिला है। 1 से 2 रुपये का फ़र्क होता है, जब आप 3 नंबर सरिया लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली 3, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर से 1 रुपया या इन सम केसेस 2 रुपये महंगा होता है। तो 4 नंबर और 6 नंबर सरिया हमें जो है वो 252 में लाइक 252 रुपये पर केजी या 2,52,000 रुपये पर टन के हिसाब से हमें मिला है, और जो हमारा 3 नंबर सरिया है वो 1 रुपये महंगा यानी कि 253 रुपये पर केजी या 2,53,000 रुपये पर टन के हिसाब से हमें सरिया जो स्टील एफएफ स्टील फैक्ट्री की तरफ से हमारी साइट इतहा टाउन पर आया है। अच्छा, इसमें सिर्फ आप प्राइसिंग को अगर फार्मूला देखते हैं तो नॉर्मली घर जो हैं वो पूरे लाहौर में, पूरे इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, मुख्तलिफ सिटीज़ में स्ट्रक्चर इंजीनियर जब डिज़ाइन करते हैं तो हर सोसाइटी के और हर सिटी के DHAs के, सिटी हाउसिंग के, बहरिया टाउन के, या LDA, CDA, FDA या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनके बायलॉज के मुताबिक स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होती हैं, उनके बायलॉज के मुताबिक ही घरों का कवर्ड एरिया या घरों का अलाउंस होता है। जैसे आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि इतहा टाउन में LDA बायलॉज फॉलो करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको G+2 बनाने की भी, घर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने की इजाज़त है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो स्टैंडर्ड बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड में घर 5 मरला का होगा तो वहाँ पे आपको G+2 बनाने की वहाँ पे परमिशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको G+1 और ऊपर बम्पटी वगैरह एरिया जो बनता है। तो स्टील डेफिनेटली वेरी करता है, उसकी जो क्वान्टिटी है वो हर सोसाइटी और हर सिटी के हिसाब से वेरी करती है। बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंसेस नहीं होते लेकिन बहरहाल डिफरेंसेस होते हैं। हम आपको एक थंब रूल के मुताबिक, एक जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 5 मरला का घर आप डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आपका तकरीबन 2,000 kg से 2 टन से 2.5 टन स्टील यूज़ होगा, और उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पे भी आपको हम कैलकुलेशन करके भी फिगर्स भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। और अगर आप 8 मरला में जाते हैं तो आपके पास 3,200 kg से लेके 3,500 kg लाइक 3.5 टन तक का सरिया आपका 8 मरला के घर में स्टैंडर्ड यूज़ होता है। मैं फिर यहाँ पे मेंशन करना नहीं भूलूंगा कि ये सोसाइटी और सिटीज़ के हिसाब से वेरिएशन भी हो सकती है,
कि 200, 300, 500 kg का जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये बायलॉज के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर इंजीनियर इसको मद्देनजर रखते हैं। और उसके बाद जब आप 10 मरला स्टैंडर्ड घर पर आते हैं जिसका अप्रोक्सीमेटली 3200 से 3500 स्क्वेयर फीट कवर्ड एरिया होता है और वो जी प्लस वन बनता है और सेकेंड फ्लोर पे ममटी बनती है, तो उसमें आपके पास तकरीबन 5 टन से लेकर 6.5 टन तक का सरिया उसमें यूज होता है। और वो भी अगेन वेरिएशन होती है उसके अंदर थोड़ी बहुत, उसकी भी प्राइसेस अभी आपके साथ स्क्रीन पे भी हम शेयर कर देंगे 10 मरला के लिए। और जब हम एक कनाल का स्टैंडर्ड प्लॉट देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पे 9 टन से लेके इन सम केसेस 14 टन का सरिया भी यूज होता है विदाउट बेसमेंट में। सारे आपको आपके साथ फिगर्स मैंने शेयर किए और मैक्सिमम सरिया जो है वो DHA के बायलॉज, क्योंकि इंटायरली LDA से, बैरिया टाउन से, बाकी सोसाइटी से काफ़ी डिफरेंट है, तो वहाँ पे सरिया की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन अलग से, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन की भी आपको आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्टील का प्राइसिंग फैक्टर, जो कि हमारी आज पहली वीडियो है, ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट वन था, जो कि हमने आपको स्टील के ऊपर ब्रीफिंग दी है। तो इंशाल्लाह ताला अगले पार्ट में, पार्ट टू में हम आपके साथ क्रश के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसकी प्राइसिंग बताएंगे, उसकी हर घर के प्लॉट साइज के मुताबिक उसमें कितनी ज़रूरत होती है क्रश की और उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं और प्राइसिंग क्या है और टोटल आपकी कॉस्ट क्या आएगी अगर आप क्रश खरीदते हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के घर के या 2 कनाल के घर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपके साथ नई वीडियो के साथ ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सीरीज का पार्ट टू लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।